भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आशीष से काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। आज एक बार फिर आजादी के इस अमृत काल में अमर अवंतिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की घोषणा कर रही है। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय कालगणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। साथियों, भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प। हमारे संकल्पों का ध्येय है विश्व का कल्याण, मानव मात्र की सेवा। हम शिव की आराधना भी कहते हैं, नमामि विश्वस्य हिते रतम एतम। नमामि विश्वस्य हिते रतम तम, नमामि रूपाणी बहुनी दत्ते। अर्थात हम उन विश्वपति भगवान शिव को नमन करते हैं जो अनेक रूपों से पूरे विश्व के हितों में लगे हैं। यही भावना हमेशा भारत के तीर्थों, मंदिरों, मठों और आस्था केंद्रों की भी रही है। यहां महाकाल मंदिर में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। सिंहस्थ कुंभ लगता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं। अनगिनत विविधताएं भी एक मंत्र, एक संकल्प लेकर एक साथ जुड़ सकती है, इसका इससे बड़ा क्या उदाहरण क्या हो सकता है। और हम जानते हैं हजारों साल से हमारे कुंभ मेले की परंपरा बहुत ही सामूहिक मंथन के बाद जो अमृत निकलता है उसे संकल्प लेकर के 12 साल तक उसको क्रियान्वित करने की परंपरा रही थी। फिर 12 साल के बाद जब कुंभ होता था फिर एक बार अमृत मंथन होता था, फिर संकल्प लिया जाता था, फिर 12 साल के लिए चल पड़ते हैं। पिछले यहां कुंभ के मेले में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा ये बिना कैसे रह सकता है। और उस समय कुंभ की हजारों साल की पुरानी परंपरा, उस समय जो मन मस्तिष्क में मंथन चल रहा था, जो विचार प्रवाह बह रहा था, मां क्षिप्रा के तट पे अनेक विचारों से मैं घिरा हुआ था, और उसी में से मन कर गया, कुछ शब्द चल पड़े, पता नहीं कहां से आए कैसे आए, और जो भाव पैदा हुआ था वो संकल्प बन गया। आज वो सृष्टि के रूप में नजर आ रहा है। दोस्त, मैं ऐसे साथियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने उस समय के उस भाव को आज चरितार्थ करके दिखाया है। सबके मन में शिव और शिवत्व के लिए समर्पण, सबके मन में क्षिप्रा के लिए श्रद्धा, जीव और प्रकृति के लिए संवेदनशीलता, और इतना बड़ा समागम विश्व के हित के लिए, विश्व की भलाई के लिए, कितनी प्रेरणा यहां निकल सकती है। भाइयों और बहनों, हमारे इन तीर्थों ने सदियों से
राष्ट्र को संदेश भी दिए हैं और सामर्थ्य भी दिया है। काशी जैसे हमारे केंद्र धर्म के साथ साथ ज्ञान, दर्शन और कला की राजधानी भी रहे, उज्जैन जैसे हमारे स्थान खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े शोधों के शीर्ष केंद्र रहे हैं। आज नया भारत जब अपने प्राचीन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है,